Hello students, good morning. Today I am going to teach you median and mode. First is median. Median, what is the median? Median is the after arranging the given data in ascending or descending order of given magnitude, the most middle observation is called median. Okay, सबसे पहले क्या है, after arranging the given data in ascending or descending order of magnitude, the value of the middlemost observation is called median. ओके अब जो ध्यान देने की चीज है कि जो आप क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको डाटा दिए रहेंगे, डाटा को हम अरेंज करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, उसमें देखेंगे जो मिडिल मोस्ट है वही उसका मीडियन है. जब इवन नंबर ऑफ डाटा है तब तो क्या कहते हैं कि ऑड नंबर ऑफ डाटा है तब तो आप मिडिल निकाल लोगे, लेकिन जब नंबर ऑफ डाटा इवन है तब निकालना मुश्किल होगा, ये वाला लें कि वो वाला लें, ठीक है. तो इसके लिए एक तरीका है, उसके लिए एक फार्मूला है, उसको आपको याद रखना होगा. सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन, ठीक है, एट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बी एन. इफ एन इज ऑड देन मीडियन इक्वल टू, इसको कैपिटल एम से लिखते हैं, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन. ओके, फिर इफ एन इज इवन देन मीडियन इज इक्वल टू एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू. अगर नंबर ऑफ डाटाज ऑड है तब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे मिडिल निकालने के लिए, अगर नंबर ऑफ डाटाज इवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे. उससे आप क्या कहते हैं कि इससे आप वो क्या कहते हैं मीडियन निकाल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा. ये दिया हुआ है डाटा, सबसे पहले हम क्या करें, इसको जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें. हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, आंसर में देखिए 3, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आ रहा है 7, फिर 8, फिर 12, फिर 14, 15, 17. ये तो अरेंज हो गया, अब काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नंबर ऑफ डाटा क्या है, इवन है, अगर इवन है तब क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू एन बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाई टू प्लस वनथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू. और नंबर ऑफ डाटा के 8 है, 8 अपॉन टू प्लस 8 बाई टू प्लस वनथ
ऑब्जर्वेशन अपॉन टू, ये हो गया फोर, फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, वन टू थ्री फोर, 14 है, ठीक है। अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, वन टू थ्री फोर, फोर्थ ऑब्जर्वेशन वन टू थ्री फोर, 8 है, प्लस उसका फिफ्थ है 12, प्लस 12 अपॉन टू, तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20 अपॉन टू 10, ठीक है। 10 इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब 10 वाला डाटा इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी 10 इसका मीडियन है, ठीक है। वो डाटा इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब मोड क्या है, मोड बहुत सिंपल है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा इज कॉल्ड मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा इज कॉल्ड मोड, ठीक है ना। जो डाटा बार बार आ रहा हो, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, मोड होगा। अब हम क्या कहते हैं, इसको कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं तो उसके हिसाब से आपको पता चलता जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए, ये दिया है 10, 13, 15, 18 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3, 30, 32, 35, 41 आर 10 ऑब्जर्वेशन इन एन असेंडिंग ऑर्डर विथ मीडियन 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मीडियन इसका दिया हुआ, ये अरेंज किया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मीडियन 24 है, पहले आप देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कह रहा है, तो नंबर ऑफ डाटा क्या है, इवन है, तो हम क्या निकालेंगे, मीडियन, देखिए मीडियन इज इक्वल टू एन वाई टू एथ प्लस एन वाई टू प्लस वन एथ डाटा ऑब्जर्वेशन अपॉन टू, तो एन 10 है तो 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1/8, ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन टू, 10/5 प्लस 6th अपॉन टू। अब फिफ्थ क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एक्स है, एक्स प्लस 1 और 6th है एक्स प्लस 3 अपॉन टू, कितना हो गया, ये हो गया 2x plus 4 अपॉन 2। अब मीडियन इसका ये m गिवन है 24, तो 24 इक्वल टू 2x plus 4 अपॉन 2, ठीक है। अब 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 48 हो जाएगा, 48 इक्वल टू 2x plus 4, ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 44 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इज इक्वल टू 22, x की वैल्यू आ गई 22। अब यहां 22 रख देंगे तो 23 हो जाएगा, यहां ये 25 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दे, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेट इन केजी ऑफ 11 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज, ये गिवन है, फाइंड द मीडियन इफ द वेट 31 kg replaced by 41 kg and 28 kg by 25 kg, find the new median। पहले इसका निकालिए, फिर 31 की जगह अगर 41 हो जाए और 28 की जगह 25 हो जाए तब उसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लें, तो देखिए मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, 26 है तो 26, फिर 26 ये 27, ये 28, ठीक है, 28 के बाद देख लीजिए 31 है, 31 के बाद 33 के बाद 34, 35,
ठीक है, 35। उसके बाद देख लीजिए 35, 36 भी है, 36। फिर देख लीजिए 36, 36, 36, 36, 36। फिर है 42। 36 के बाद क्या है, 42 है, और फिर 43, 40 है, पहले 40 है, फिर 42 है, फिर 43 है, ठीक है ना। अब इनको क्या कहते हैं, देखिए काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। तो 11 है तो क्या कहते हैं कि हम इसको कैसे करें कि मीडियन इज इक्वल टू, अब ये नंबर ऑफ डाटा ऑड है तो हमको ऑड वाला फॉर्मूला लगाना है, तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11+1/2 = 6th, 6th ऑब्जर्वेशन आ गया। अब 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ गया, तो मीडियन कितना हो गया, 34। अब इसके बाद कह रहा है कि 31 kg इज रिप्लेस्ड बाई 41। अब ये 31 जो है 41 हो जाएगा, और 28 kg रिप्लेस्ड बाई 25। तो 25 पहले आ जाएगा, तो पहले क्या हो जाएगा, 25, फिर 26, फिर 27, 28 को आपने रिप्लेस कर दिया है 31, अब खिसक के 41 की जगह यहां आ जाएगा, तो 31 के बाद क्या आ जाए, 33 है, 33, फिर 34, 35, 34, 35, 36, फिर 40। अब 31 की जगह 41 है, ये 41, ये 42 और 43। नंबर ऑफ डाटा अभी 11 ही है, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू n+1/2th ऑब्जर्वेशन, तो n+1 फिर कितना है, 11+1/2 कितना आ जाएगा, 6th फिर आ जाएगा। अब 6th ऑब्जर्वेशन क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब की बार m की वैल्यू क्या हो गई, मीडियन की वैल्यू 35 हो गई। जब रिप्लेस नहीं किया था तब आया था 34, और जब रिप्लेस कर दिया तो आ गया 35। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा दिस, इफ 58 इज रिप्लेस्ड बाय 85, व्हाट विल बी द न्यू मीडियन, ठीक है। पहले तो इसका निकाल दें, तो इसको सबसे पहले अरेंज करें, तो अरेंज करने पे देखिए सबसे पहले सबसे कम क्या है, 41, ठीक है, 41, फिर 43, 41, 43, फिर उसके बाद 43, तो मतलब उसके बाद है 57, 57 के बाद 58, 58 के बाद देखिए 61, 61 के बाद, 61 के बाद 92, 92 के बाद 99, फिर 108। अब इसको अरेंज करने के बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब नंबर ऑफ डाटा इवन है तो हमारा क्या हो जाएगा, m n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2+1th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो अब 8 है तो 8/2th प्लस 8/2+1th अपॉन 2। अब कितना हो जाएगा, 4th+5th ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। 4th ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 58 है और 68 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो 58 हो गया। अब 5th क्या है, 61 है, 61 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 58 और 61 को ऐड करें तो 189 और 6, 5, 11 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 2, 5 जा 10 जाएगा 1,
तो वन में चला आ जाएगा, तो 2 9 = 18.5, ये होगा इसका मीडियन जब ये हालत है। और जब कह रहा है 58 इज रिप्लेस्ड बाय 85, अब 58 जो है वो 85 हो जाएगा, तब क्या होगा देखिए कि 41 43 57 58 की जगह अब 61 आ जाएगा, 61 तब फिर 85 आ जाएगा, 85 फिर 92 99 108, अब भी यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना। तो अब फोर्थ और फिफ्थ देखिए एम की वैल्यू क्या होगी, फोर्थ और फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहां पर भी लेना है, तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है यहां पे 1 2 3 4, आपकी 61 हो गया, प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 85 अपॉन 2, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6 और 8 = 6 = 14 अपॉन 2, अब की बार हो जाएगा 73, अब की बार कितना आ गया मीडियन 73, ठीक है ना। इस तरीके से मीडियन को हम निकालते चलते हैं। अब ये देखिए 110, 120, 130 सब दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द मोड ऑफ द अबव डाटा। अब आपको मोड की हमने डिफिनेशन बताई है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा, मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डाटा, देखिए इसमें डाटा कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 120 2 110 भी 2 times हो चुका है, 3 4 क्या आ रहा है, 120 जो है सबसे ज्यादा टाइम आ रहा है, 2 बार 110 है, तो क्या हो जाएगा मोड इज इक्वल टू 120, सिंपल है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहां देखिए कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेंड एंड स्टूडेंट इन ए क्लास, कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेंड बाय स्टूडेंट्स इन ए क्लास, क्या है देख लीजिए 4 6 5 7 9 8 10 4 7 6 5 9 8 7 7, अब इसमें गिनिए तो देखिए कौन सा सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो 4 6 5 7 4 देखिए 2 बार हो गया, 7 भी 2 बार हो गया, 7 3 और 4 times हो गया, इसका मतलब मोड क्या हो गया, मोड इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। ये मोड निकालने का बहुत सिंपल तरीका है, मोड हमारे पास अभी ग्रुप डाटा में यही है, इसके जो मोड आपको क्या कहते हैं जो इसका टिपिकल पार्ट है वो आपको 11th में पढ़ाया जाएगा। द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ गोल वेयर स्कोर्ड बाई ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 matches, दिस फाइंड द मीन मीडियन मोड ऑफ द स्कोर्स, तीनों चीजें निकालनी है, ठीक है ना। 10 सीरीज 10 matches का दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम मीन निकालें, तो मीन इज इक्वल टू आपको हमने फॉर्मूला बताया है क्या, सिग्मा एक्स आई आई इज इक्वल टू 1 to n अपॉन n, ठीक है। तो देखिए अब सिग्मा एक्स आई क्या होगा, इन सबको ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 upon 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 2 3 5।